हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और फ्रेंड्स, ये है ट्यूलिप्स के एक केयरिंग टच कॉटन बॉल्स 50 पीसेस के साथ है ये। और ये इस तरह से एक पैकेट में आते हैं, 50 पीस इसके अंदर निकलते हैं ट्यूलिप्स के हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी से हैं, ट्यूलिप्स की ईयरबड भी आती हैं और भी जो कॉटन पैड होते हैं, मेकअप रिमूवर पैड्स, वो भी आते हैं। तो ऐसे पैकेट आता है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और जो कॉस्मेटिक शॉप होती हैं वहाँ भी मिल जाता है। तो आपको इसको इस तरह से यहाँ से आपको करना है ओपन, और फिर ये इस तरीके से ओपन हो जाती हैं और ये इसमें इस तरह की कॉटन बॉल निकलती हैं। और ये देख, काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हैं ये। तो फ्रेंड्स, इनको किस किस वे में यूज कर सकते हैं मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। है मेकअप एक्सेसरीज ट्यूलिप्स, 46 MRP होती है, 5 ईयर्स की सेल्फ लाइफ के साथ। फ्रेंड्स, ये देखिए, अप्लाई और रिमूव मेकअप, आपके मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करता है, नेल पेंट को रिमूव करने में हेल्प करता है, बेबी केयर, क्लीनलेस, बच्चे की जो हाथों की या पैरों की कहीं की भी साफ़ सफाई करने में, ये क्लीन करने में हेल्प करता है। सर्टिफाइड फैसिलिटी, अनटस्ट बाय हैंड्स, प्योर एंड सॉफ्टनेस कॉटन, माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्टेड। तो ये सब इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स हैं कि ये किस तरीके से है। और फ्रेंड्स, मैं इन कॉटन बॉल्स को काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है, हेल्पफुल हैं काफ़ी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये इस तरीके से ओपन भी हो जाता है और ये इजीली आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं दिखाती हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट यूज में हम इसके ऊपर नेल पॉलिश रिमूवर जो लगाएंगे कॉटन बॉल के ऊपर, और आप अपने इस तरह से नेल पेंट के ऊपर से हल्का सा पुश करते हुए, रब करते हुए, इससे आपकी जो नेल पेंट है ईजिली रिमूव हो जाती है। सेकंड में अगर आपको कहीं मान लो चोट लगी है तो आप सेवलॉन या डिटॉल वगैरह को अभी यूज इससे कर सकते हैं। थर्ड में आप जो है इसको जो है टोनर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं फेस पर। एंड सुकेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और एंड में आप इसे जो है आपका मेकअप रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, आपको इस पर मेकअप रिमूवर लगाना है और फिर इस तरह से साफ़ कर लेना है।